the medical science in my conscience, Bala sir. Thank you, sir. Thank you. Lakhanlal Sahu ji. महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट के समर्थन में मैं आप खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय सभापति जी, यह बजट जो है हमारे देश की जो नए इंडिया की संकल्प है उसको पूरा करने के लिए है, और इसके लिए जिस प्रकार से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक जो लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हम 21वीं सदी में अपने युवाओं को, हमारे यहाँ की महिलाओं को, हमारे यहाँ के किसानों का सम्मान यदि हमको करना है, तो निश्चित रूप से ये जो बजट उसमें सहायक सिद्ध होगा। मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ, और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से जो आह्वान किया था कि जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएं, उस समय यह देश 2019 तक स्वच्छ होना चाहिए, उसका प्रभाव का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सभापति जी, मेरे आदर्श गांव जिसका मैंने चयन किया है, जिला मुंगेली के हथनी कला गांव का, एक अनुसूचित जाति की बहन बिस्मिल बाई पाटले, उन्होंने अपने मायके में सिर्फ इसलिए जाने से इंकार कर दिया कि उसके मायके में तीज त्योहार के मौसम में भी जाने से इंकार कर दिया कि उनके मायके में शौचालय नहीं था। यह समाज के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश के अंदर जो आज हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं जिसमें समाज के अंदर बदलाव होना चाहिए, इसके लिए है। आज हम देखें तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूर्व में शौचालय का निर्माण हुआ, और उसको बल देने के लिए जो 2 करोड़ और अतिरिक्त शौचालय बनाने का निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उसका स्वागत करता हूं। इससे महिलाओं का सम्मान भी होगा, सशक्तिकरण होगा। एक उदाहरण मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के पहचान के रूप में सब लोग बोलते हैं कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ है, वहां नहीं जाना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ के उन बहनों का मैं यहां से अभिनंदन करना चाहता हूं कि दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, जहां के गिदम की हमारी बहनें 51 बहनें ई रिक्शा चला करके आज नक्सलियों को जवाब दे रहे हैं कि हम भी शांति के साथ जीना चाहते हैं। यदि आपको लोकतंत्र में विश्वास है तो आप भी मोदी जी के साथ चलिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ चलिए छत्तीसगढ़ में। ये संदेश यदि आज मनोबल बढ़ाने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसके कारण से आज देश के करोड़ों हमारी महिलाओं का सम्मान हुआ है। आदरणीय सभापति जी, अनेक योजनाएं संचालित हो रही है। किसानों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण और किसानों के संबंध में इस बजट में जो 14 लाख करोड़ रुपया का जो राशि प्रावधान किया गया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र विकसित होगा, मजबूत होगा, साथ ही हमारे किसानी क्षेत्र भी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आज मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बोलना चाहता हूँ, धान हमारा सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक है, और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार एक एक दाना धान की खरीदी करती है, और 2100 रुपए धान की हम लोगों ने अभी 13 लाख किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए के हिसाब से बोनस दिए हैं। ये 2022 में जो आय हमारे किसानों को दुगना करने का लक्ष्य को प्राप्त करने का, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सौर सुजला योजना के माध्यम से हमारे किसानों को करीब 15 लाख किसानों को हमने 4.5 लाख के पंप सेट को मात्र 5 से 10 हजार रुपए में दे करके लगा करके किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो अनुकरणीय प्रयास किया है, उसे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस बजट में हमारे देश के 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के दृष्टिकोण से देने का जो लक्ष्य रखा गया है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2012 से 50 हजार रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से देने का जो लगातार हमारे क्षेत्र के जो जरूरतमंद परिवार है उनको देने का जो काम किया है, ये अनुकरणीय है। इसी प्रकार से अनेक और योजनाओं का मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन समय का एक मर्यादा है। एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे
नरेंद्र मोदी जी का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है स्किल इंडिया का, वो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में लाइवलीहुड कॉलेज करके उस लक्ष्य को हमें अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सरकार ने प्रयास किया है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल है और उसको कानूनी अधिकार भी देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ अपने जिले के और अपने जो प्रदेश है उसके विषय में बोलना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय 2000 में उनका निर्माण हुआ तीन राज्यों के साथ में, परंतु जिस आधार पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में वो शामिल राजभाषा के रूप में दर्ज नहीं होने के कारण जो उनको एक स्थान मिलना चाहिए और छत्तीसगढ़ी राज्य का जो आधार था उसको अभी तक जिस प्रकार से यहाँ पर स्वीकृति दे करके, चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा भी इसके संबंध में संकल्प पारित किया गया है और छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक जो छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हैं वो सबकी भावना है कि छत्तीसगढ़ ही को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। मैं निवेदन करता हूँ आने वाले समय में हमारा सरकार इस पर विचार करके उसकी स्वीकृति करेंगे। साथ ही साथ रायपुर में स्थित जो हमारे एयरपोर्ट है, जहाँ पर से आज अंतरदेशीय एयरपोर्ट जहाँ से देश के अंदर ही विभिन्न राज्यों में स्टेशनों में जाकर के एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध है, मैं आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग करता हूँ, इसलिए कि वहाँ के जो वन क्षेत्र से जो उत्पादन होने वाले हैं और किसानी जैसे टमाटर है और अन्य जो तुरंत नष्ट होने वाले ऐसे बहुत सी सब्जियां हैं फल है, उनको हम जल्दी से जल्दी बाहर ले जाकर के ट्रांसपोर्ट कर सके, निर्यात कर सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ। रेलवे, बिलासपुर का रेलवे जोन का मुख्यालय है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है सभापति जी, रेलवे के लिए मैं निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो चुका है और रेलवे जोन का मुख्यालय भी बिलासपुर में है, तो अभी जो रेलवे ट्रिब्यूनल है वो भोपाल में हमको जाकर के न्याय मांगना पड़ता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में बिलासपुर में रेलवे ट्रिब्यूनल का स्थापना किया जाए। साथ ही साथ एक निवेदन और है सभापति जी, उसके बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो बिलासपुर है उसमें रेलवे जोन होने के बाद भी आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने का मेरा निवेदन है। एक केंद्रीय विद्यालय मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला मुंगेली में नया जिला है वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हमारी सरकार के द्वारा भी मांग की गई है। एक कविता कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भाषण बोल रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र के खिलाफ में जो परंपरा शुरू किया है, इस संबंध में एक कविता कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को हमको जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है तो कैसे करना है। नफरतों के इस दौर में भी प्यार होना चाहिए, नफरतों के इस दौर में भी प्यार होना चाहिए।